आज हम लोग पंचवटी के छठवें पद की व्याख्या करेंगे। आइए सबसे पहले एक एक शब्दों का अर्थ हम लोग देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। हाय वही रहेगा, बिखेर देती है, फैला देती है। वसुंधरा अर्थात पृथ्वी। मोती, मोती देखिए आप समझ रहे हैं, लेकिन मोती का मतलब यहाँ पर तारों से है, जो आकाश में दिखाई देते हैं तारे, उस यहाँ पे मोती का अर्थ वही है। सबके वही रहेगा, सोने पर वही रहेगा। रवि माने सूरज, बटोर लेता है अर्थात इकट्ठा कर लेता है उनको अर्थात तारों को, मोती रूपी तारों को। सदा मतलब हमेशा, सवेरा वही रहेगा, होने वही रहेगा, पर वही रहेगा और वही रहेगा। विराम दायिनी, विराम दायिनी का मतलब है विराम देने वाली, आराम देने वाली। अपनी, यहाँ पे अपनी का मतलब है कि जो उसने मोती इकट्ठा किया है, जो तारे रूपी मोती इकट्ठा किया है वो अपनी मोतियाँ। संध्या अर्थात संध्या या शाम को वही रहेगा, दे जाता है वही रहेगा। शून्य श्याम, शून्य श्याम को हम लोग इसी तरह ले लेंगे, ठीक है। श्याम का मतलब सांवला होता है, शून्य श्याम हम ऐसे ले लेंगे। तनु माने शरीर, जिससे वही रहेगा, उसका वही रहेगा, नया वही रहेगा। रूप, रूप आप समझ रहे हैं वही रहेगा। झलकाता है अर्थात दीप्तिमान होकर दिखाई देता है, दीप्तिमान होकर दिखाई देता है। अब सारे अर्थ हम लोगों ने देख लिए हैं, चलिए व्याख्या करते हैं और अपने हिसाब से यदि कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग शब्दों को आगे पीछे करेंगे। तो जब शब्दों को आगे पीछे करेंगे वो चीज़ आपको बहुत ध्यान से सुननी और देखनी है। इस पद्यांश में कवि मैथिली शरण गुप्त जी प्रकृति का वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। प्रकृति का वर्णन करते हुए मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, है विखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। पृथ्वी, वसुंधरा माने पृथ्वी, पृथ्वी सबके सोने पर मोती रूपी तारों को आकाश में बिखेर देती है। एक बार देखिए, है बिखेर देती वसुंधरा, वसुंधरा बिखेर देती है अर्थात पृथ्वी बिखेर देती है, मोती बिखेर देती है अर्थात तारे रूपी मोती बिखेर देती है। कब बिखेर देती है? सबके सोने पर, जब सब लोग सो जाते हैं। तो आगे पीछे वाक्य को जब हम करेंगे तो हो जाएगा कि पृथ्वी रात होने पर मोती रूपी तारों को बिखेर देती है अर्थात पूरे आकाश में फैला देती है। रवि बटोर लेता है उनको, और मोती उनको मतलब तारे रूपी जो मोती हैं, जो सूरज होता है उन्हें इकट्ठा कर लेता है। कब इकट्ठा कर लेता है? रोज़ सवेरा होने पर, रोज़ सवेरा होने पर। अब देखिए इस लाइन को हम लोग पलट देते हैं, कहेंगे क्या, सूरज रोज़ सवेरा होने पर उन तारे रूपी मोतियों को बटोर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। और इकट्ठा करने के बाद क्या करता है? और उन मोतियों को, देखिए अपने से जोड़िए, उन मोतियों को आराम देने वाली, आराम देने वाली संध्या रूपी सुंदरी को दे जाता है। और देखिए, और के बाद ये अपनी अर्थात मोतियों को, और अपनी उन मोतियों को आराम देने वाली, विराम दायनी, आराम देने वाली संध्या को दे जाता है, देकर चला जाता है। जिससे, देखिए अब अपने से जोड़िए, जिससे संध्या रूपी सुंदरी, संध्या रूपी शून्य श्याम रंग की सुंदरी उन मोतियों को पहन करके नए रूप में दीप्तिमान होकर दिखाई देने लगती है। अगर आपको ना समझ में आया तो चलिए मैं चारों लाइन के अर्थ को एक साधारण भाषा में बताता हूँ, ठीक है। आप कैसे लिखेंगे कॉपी में ध्यान से सुनिए।
मैथिली शरण गुप्त जी प्रकृति का चित्रण करते हुए कहते हैं, पृथ्वी सबके सोने पर तारे रूपी मोतियों को पूरे आकाश में बिखेर देती है या फैला देती है। सूरज रोज सवेरा होने पर सूरज रोज सवेरा होने पर उन तारे रूपी मोतियों को बटोर कर इकट्ठा कर लेता है और शाम होने पर आराम देने वाली संध्या रूपी सुंदरी को अपनी उन मोतियों को दे करके चला जाता है और शून्य श्याम शरीर वाली संध्या उन मोतियों को पहनकर नए रूप में दीप्तिमान होती है अर्थात दिखाई देती है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कल हम लोग इसके आगे सातवें पद की व्याख्या करेंगे। यदि आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखा करिए कि सर ये चीज़ यहाँ पर समझ में नहीं आई।